नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बिहार की खबरों की शुरुआत करते हैं। गया के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनाव कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में मतदान होने वाला है। पीएम ने कहा कि आज आप नए बिहार को बनते देख रहे हैं, जिनका जन्म नई सदी में हुआ है। गया जी का ये क्षेत्र आस्था प्रेम का क्षेत्र है। पीएम ने कहा कि कितनी विडंबना है कि ज्ञान स्थली को नक्सली इलाके में छोड़ दिया गया है। महागठबंधन के लोग फिर बिहार को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे आप सतर्क रहें। बिहार के लोहियार पंचायत के सिंघा बलुआ गांव में भाजपा ने जनसभा का आयोजन किया। इस सभा में सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हुई। बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण नंदन पासवान के पक्ष में वोट मांगने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मोतिहारी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता रोहित गिरी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपने बयान में कहा कि यहाँ की जनता बीजेपी उम्मीदवार को भारी वोट से जिताने का काम करेगी। बनेगी और कहीं से भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। अमित शाह जी ने भी कह दिया, अब उनसे बड़ा नेता मोदी नरेंद्र भाई मोदी जी से बड़ा नेता हमको नहीं लग रहा है कि भारत में कोई है। बीती रात पूर्णिया जिले के धमदाहा घाट के समीप अज्ञात अपराधी के द्वारा जदयू के युवा उपाध्यक्ष सुल्तान के ऊपर अपराधियों ने गोली से फायर कर दिया। गनीमत यह रही कि सुल्तान बाल बाल बच गए और उसी बीच एक दूसरी स्कॉर्पियो पर मोहम्मद राहुल, जो पूर्णिया से धमदाहा की ओर जा रहे थे, उस पर भी अपराधी के द्वारा गोली चलाई गई, लेकिन वो भी बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गया है। जो है बोले धमदाहा थाना को सूचना देने, उसके बाद धमदाहा थाना को सूचना दिए। अभी घटना कितनी गोली चली? एक गोली चली, साइड से ही फायरिंग किया। तब तक उतना नहीं देख पाया, मगर फायरिंग हुआ साइड से, तो हम लोग तब तक जान बचा कैसे करके वहां से निकल गए। बिहार के समस्तीपुर जिले में बीती 9 अक्टूबर को हुई व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि जितेंद्र गिरी नाम के एक व्यक्ति के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूट की थी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल मामले का खुलासा करने के लिए एक टीम गठित कर दिया था। इसका खुलासा पुलिस टीम ने किया है और 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। 6 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से 2 अपराधी मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे थे और बाकी 4 अपराधी सपोर्ट के लिए बाहर खड़े थे। तकनीकी और अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान कर इन सभी के संलिप्तता का स्पष्ट प्रमाणित हो गया है। इन लोगों के पास से 2 मोबाइल जो घटना के समय इस्तेमाल हुआ वो बरामद हुआ है और कुछ कैश कुल 20,000 रुपया बरामद हुआ है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी महेश्वर हजारी को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। बता दें कि वो क्षेत्र में एनडीए का विकास कार्य गिना रहे थे, तभी गुस्साई भीड़ ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान उनके बॉडीगार्ड और जनता के बीच काफी नोकझोंक भी हुई।